जापान सिंह तोमर, विकी डोनर, कहानी एंड ओ माई गॉड, यही है साल की नेशनल अवार्ड्स अपने नाम करने वाली फिल्म्स के नाम। जी हाँ, साल की सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स में से एक माने जाने वाले नेशनल अवार्ड्स का हो गया है अनाउंसमेंट। सबसे पहले बात फीचर फिल्म की, तो इस कैटेगरी में विनर साबित हुई है पान सिंह तोमर। बेस्ट फीचर फिल्म के अलावा इरफान खान स्टारर इस फिल्म ने अपने नाम किया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी। आपको देखिए, उपलब्धि जो है अलग अलग तरीके से होती है। एक तो जब ऑडियंस उसको स्वीकार करती है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और दूसरी ये होती है कि आपको जो है नेशन की बॉडी जो है वो आपको एकजुट होकर बोलती है कि इस आदमी ने बहुत कमाल काम किया है। तो दोनों जो है अपने आप में काफी दिल को इस तरह से उत्साह देने वाली और दिल को जो है अपने काम पे यकीन दिलाने वाली ये एक चीजें होती हैं, और आपको अपने काम पे यकीन होता है, आप चाहते हैं कि इस तरह काम करते रहें। हालांकि ये नेशनल अवार्ड्स के अनाउंसमेंट का एक्साइटमेंट ही है, वरना तो इरफान अवार्ड्स को इतनी इम्पोर्टेंस कहां देते रहे हैं। पान सिंह, इट्स ओल्ड स्टोरी नाउ, एंड पान सिंह इज गिवन इनफ, सो आई डोंट थिंक व्हाटएवर पान सिंह इज गिवन इज, आई थिंक आई एम थैंकफुल टू दैट। एज फार एज फिल्म गोज, इट इज गिवन इनफ, आई डोंट थिंक आई हैव एनी कंप्लेन। पान सिंह तोमर के अलावा कहानी और विकी डोनर ने भी नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में विनर चुना गया है। साथ ही अनु कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग रोल मेल और बेस्ट सपोर्टिंग रोल फीमेल के अवार्ड्स डॉली आलूवालिया को अनाउंस किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर विकी डोनर की टीम की झोली में एक नहीं कई अवार्ड्स आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि टू विन अ नेशनल अवार्ड इज अ सेंस ऑफ प्राइड। वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड दैट आवर हमारी जो फिल्म थी स्टूडियो ने ऑस्कर सिलेक्शन के लिए भेजी नहीं है इस फिल्म को। आई एम श्योर इट वुड हैव गॉट सिलेक्टेड, लेकिन वी आर वेरी रिलीव्ड, क्योंकि नेशनल अवार्ड जीतना कोई छोटी बात नहीं है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू विन दिस अवार्ड। स्टूडियो से बहुत प्रेशर था उस वक्त पे कि कोई एस्टैब्लिश एक्टर को ले ले उस रोल के लिए, लेकिन सुजीत सरकार और मैं दोनों बहुत ही डिटर्मिन थे, और सुजीत ने मुझे कहा कि जॉन, मैं सिर्फ अनु कपूर को इस रोल में देखता हूँ। डॉली आलूवालिया इतनी आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस है, और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉली आलूवालिया मेरी ड्रेस डिजाइनर थी मेरी फिल्म वॉटर में। शी वॉज माई स्टाइलिस्ट इन माई क्लोथ, और आज इस मुकाम तक वो पहुंच गई है। शी इज डन अ फैबुलस जॉब एंड शी डिजर्व्स दिस अवार्ड। वहीं बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल का अवार्ड गया है विद्या बालन स्टारर कहानी के नाम, और इसी फिल्म के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलने जा रहा है स्पेशल ज्यूरी अवार्ड। तो जहां बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में कहानी ने बाजी मारी, वहीं बेस्ट स्क्रीन प्ले अडॉप्टेड का अवार्ड गया है परेश रावल और अक्षय कुमार स्टारर ओ माई गॉड को। और इसी कड़ी में परिणीति चोपड़ा भी बन गई है एक नेशनल अवार्ड की हकदार, क्योंकि उनकी फिल्म इशकजादे के लिए उनके नाम है स्पेशल मेंशन का एक अवार्ड। नेशनल अवार्ड के अनाउंसमेंट के बाद जूम ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से बात की और उन्हें बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।